अगर आप लोगों को भी ऐसी मूवीज देखना पसंद है जिसमें एडवेंचर के साथ एक्शन हो तो ये है टॉप 5 एडवेंचर एक्शन मूवीज। नंबर 5 पे है क्लैश ऑफ द टाइटंस, और ये मूवी पर्सियस नाम के डेमीगॉड के बारे में है जो अपने फादर किंग ऑफ गॉड्स ज्यूस से नफरत करता है। लेकिन जब गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड हेडीज आर्गन नाम के शहर को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्रैकन को अनलीश कर देता है, तब पर्सियस अपनी अडॉप्टेड फैमिली और आर्गन को क्रैकन से बचाने के लिए एक सफर पर जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारे चैलेंजेस को पार करके क्रैकन को हराने का तरीका ढूंढना पड़ता है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर सैम वर्थिंगटन है जो पर्सियस का रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर 4 पर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये मूवी प्रोफेसर ट्रेवर एंडरसन और उसके नेफ्यू शॉन के बारे में है, और मूवी में ट्रेवर अपने भाई और शॉन के फादर को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है जो 10 साल पहले अचानक से गायब हो जाता है। और ऐसे ही एक दिन ट्रेवर को अपने भाई के पुराने सामान से जूल्स वर्न की बुक जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ मिलती है, जिसमें ट्रेवर के भाई ने अपने कुछ नोट्स लिखे हुए थे। और ये नोट्स देखने के बाद ट्रेवर अपने भाई के गायब होने की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अपने नेफ्यू शॉन के साथ आइसलैंड चले जाता है। आगे की मूवी ट्रेवर और शॉन के एडवेंचर्स के बारे में है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर ब्रेंडन फ्रेजर हैं जो ट्रेवर एंडरसन का रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर 3 पे प्रिंस ऑफ पर्शिया द सेंस ऑफ टाइम, और ये मूवी अडॉप्टेड प्रिंस दास्तान के बारे में है जिसके ऊपर अपने फादर के मर्डर का आरोप लग जाता है, और दास्तान अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए प्रिंसेस तमीना के साथ मिलकर अपने किंगडम से भाग जाता है। और भागते समय दास्तान को एक डैगर मिलता है जो टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, और इस डैगर के पीछे डार्क फोर्सेस लगी होती हैं। अब आगे की मूवी दास्तान के इनोसेंस प्रूफ करके रियल मर्डरर को ढूंढने के बारे में है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर जेक जिलेनहॉल है जो प्रिंस दास्तान का रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर 2 पे है जॉन कार्टर, और ये मूवी कन्फेडरेट कैप्टन जॉन कार्टर के बारे में है जो मार्स में टेलीपोर्ट हो जाता है, और मार्स जैसे मूवी में बारसून बताए वहाँ जाकर जॉन को ये पता चलता है कि उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई है मार्स की लो ग्रेविटी के कारण। और गलती से जॉन बारसून के दो स्टेट्स हीलियम और जोडांगा के कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस जाता है, और अब जॉन को इन दोनों स्टेट्स के बीच शांति लानी होगी और साथ में उसे प्रिंसेस थॉरस को भी बचाना होगा, नहीं तो मार्स में प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने वाली वॉर हो जाएगी। इस मूवी के मेन कैरेक्टर टेलर क्रिशन जो जॉन कार्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। फाइनली नंबर 1 पे है एज ऑफ टुमारो, और ये मूवी विलियम केज के बारे में है जो फ्यूचर अर्थ में आर्मी के मेजर की पोजीशन में है, और इस अर्थ पर मिमिक्स नाम के एलियंस ने अटैक कर दिया है। और अपने एक मिशन के दौरान विलियम एक टाइम लूप में फंस जाता है जिसमें वो मरने के बाद बार बार अपने पिछले दिन को रीलिव करता है, और हर टाइम लूप के बाद विलियम रीटा ब्रिटास्की नाम के एक स्किल्स सोल्जर की हेल्प से अपनी कॉम्बैट स्किल्स को एनहेंस करता है और एलियंस की वीकनेसेस को पता लगाता है। और इस टाइम लूप की हेल्प से विलियम का अल्टीमेट गोल मिमिक्स को हरा के ह्यूमैनिटी को बचाने का होता है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर टॉम क्रूज हैं जो मेजर विलियम केज का रोल प्ले कर रहे हैं।